यह वीडियो गोधूली भाग दो के गद्य खंड पर आधारित है। इस वीडियो से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखें। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, यतिंद्र मिश्र। तो विष के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कहानी कैसी है? ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत कहानी है मनोवैज्ञानिक। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? आपके ऑप्शन है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो विष के दांत समाज में मध्य वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विधा है? ऑप्शन है निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। तो विष के दांत पाठ की विधा है कहानी। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन है सेन साहब, खोखा, मदन गिरधर, या फिर सभी सही है। तो विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र हैं खोखा। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल का बेटा है? गिरधर लाल का कौन का बेटा कौन है? ऑप्शन है आपका खोखा, काशी, मदन, आलू। तो गिरधर लाल का बेटा जो है वो मदन है। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? आपके ऑप्शन है किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। क्या था? किरानी। नेक्स्ट, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन है सफ़ेद, काली, नीली, या फिर लाल। तो सेन साहब की नई मोटर कार लाल रंग की थी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ऑप्शन है 8,500, 7,500, 6,500, 5,500। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन है डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, या पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ऑप्शन है मदन, कासू, सोफर, इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा कासू ने चकनाचूर किया था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, खोखी, या उपयुक्त सभी? तो सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। अगला क्वेश्चन, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी, तानाशाह, मूर्ख, विद्वान। तो सेन साहब एक अहंकारी व्यक्ति थे। अहंकारी नहीं, रॉन्ग नंबर है, ये तानाशाह की तरह आदमी थे। अगला क्वेश्चन, मदन किसका बेटा है? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का, या फिर अखबार नवीस का? तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है। अगला क्वेश्चन, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था पहलवानी, ईर्ष्या, लट्टू खेलने की ललक, या फिर साइकिल की सवारी?
मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था लड्डू खेलने की ललक। अगला क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार, दुलार, प्यार, दुत्कार। तो मदन के लिए मार खाना एक मामूली बात थी। अगला क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था? ऑप्शन है नियम बनाने में, घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में, सबको प्यार करने में, सभी गलत हैं। तो जो खोखा जो था वो घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने के मामलों में अपवाद था। अगला क्वेश्चन, खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले? काशी ने, मदन ने, गिरधर लाल ने या फिर सेन साहब ने? तो मदन के दो दो दांत, खोखा के दोनों दो दो दांत मदन ने तोड़ डाले। अगला क्वेश्चन, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियम का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? विष के दांत, शिक्षा और संस्कृति, बहादुर, मछली। तो यह गद्यांश विष के दांत के गद्यांश पाठ से आधारित है। अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की या फिर सेन साहब की? तो ये जो पांचों थी वो खोखा की बहनें थी। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 18 फरवरी 1916, 2 फरवरी 1907, 22 अप्रैल 1905, 10 अक्टूबर 1912। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही, यहाँ पे होगा आपका वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की ये पंक्ति है? ऑप्शन है बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, विष के दांत। तो इसका सही आंसर है विष के दांत। अगला क्वेश्चन, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। आपके ऑप्शन है खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। तो मोटर को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रबद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन है अमरकांत, रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? ये ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। इसका सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ऑप्शन है झोपड़ी वाले, महल वाले, दोनों या कोई नहीं। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? आपके ऑप्शन है सन 1958 में, सन 1957 में, सन 1963 में, सन 1959 में। उसका सही आंसर है सन 1959 में। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ऑप्शन है राजनीतिक कथा का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिकता का। अगला क्वेश्चन, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? ऑप्शन है निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का, मध्यम वर्ग का या फिर व्यापारी वर्ग का? तो विष के दांत में मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। जिसका सही आंसर है बंगला का। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं?
ऑप्शन है 3, 6, 5 या फिर 4। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्ममता या फिर ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के इस पात्र ने कही है। सेंस ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या फिर सोफर ने, यह पंक्ति सेन साहब ने कही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें कुछ कमी आपको लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताते चलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये अगला क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन है माता, सेन साहब, खोखा, पिता। तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से ही पीटता रहता था। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है। तो ऑप्शन है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल मदन का पिता है। अगला क्वेश्चन, खोखा का क्या नाम है। ऑप्शन है किसू, कुसू, कासू या कंसू। तो खोखा का नाम है कासू। अगला क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन है 5 से 6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो मदन की उम्र थी 5-6 साल। अगला क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो मदन जो था वो लट्टू के, कासू जो था मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधर जो था वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए। ऑप्शन है पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सिंह साहब के बैंक से या फिर गिरधर लाल के बैंक से। तो सिंह साहब, सेन साहब पत्रकार महोदय के बैंक से ऐड कर रह गए थे। अगला क्वेश्चन, विष के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन है निबंध, व्यक्तिचित्र, कविता, कहानी। तो इसका आंसर होगा कहानी। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बर घाट पटना, रानी घाट पटना। इसका सही आंसर है बर घाट पटना। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशा अवतार शर्मा। इसका सही आंसर है पंडित राम अवतार शर्मा। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किसकी रचना है। ऑप्शन है राम अवतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र।
इसका सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन है भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। इसका सही आंसर है माता पिता को। अगला क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पे होगा आपका कासू, इसको बना लीजिएगा आप लोग कासू। कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ जो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।